हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ स्क्रू पंप के बारे में कि आखिर में स्क्रू पंप कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर ऑफ सब्जेक्ट इंडस्ट्री फ्लूड पावर का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हैं कि आखिर में स्क्रू पंप होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कभी पूछ देती है, कभी उसका वर्किंग पूछ देती है, और साथ में इसका डायग्राम को भी ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है। ठीक, इस वीडियो में सारे डिस्कशन करेंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसका वर्किंग को समझ लेते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर में स्क्रू पंप होता क्या है। ठीक है, चलिए हम ये भी डिस्कशन करते हैं। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के बताइए लिखी हुई क्या है कि व्हाट इज ए स्क्रू पंप। ठीक है, एक स्क्रू पंप होता क्या है, इसके नीचे में आंसर भी लिखी हुई क्या है कि स्क्रू पंप इज ए टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप डैट यूजेस टू और मोर स्क्रू रोटर्स डैट इंटरमेस टू प्रेशराइज फ्लूड एंड मूव देन इन ए सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है कि एक स्क्रू पंप एक प्रकार का सकारात्मक विस्थापन पंप है जो दो या दो से अधिक स्क्रू रोटर का उपयोग करता है जो तरल पदार्थ पर दबाव डालने और उन्हें सिस्टम में स्थानांतरित करने के लिए इंटरमेस करता है। मतलब कहने का मतलब है कि स्क्रू पंप एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एक तरह का टाइप होता है। ठीक है, उसी का एक तरह का प्रकार होता है। ठीक है, आखिर में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किसको बोलते हैं, वैसे टाइप के पंप जो यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो उसको एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं, जिसमें क्या होती है कपल रोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो लिक्विड को ट्रांसफर करने में मदद करता है। ठीक है, तो स्क्रू जो पंप है यहां पे, इसमें भी दो को यहां पे लीनियर टाइप के स्क्रू रोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो दो कपल होते हैं जो आपस में रोटेशन करते हुए क्या काम करते हैं, लिक्विड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, स्क्रू रोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो आपस में एक दूसरे साथ फंसे होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ही भी स्क्रू के डिजाइन में होते हैं, इसी कारण इसे एक तरह का स्क्रू पंप कहा जाता है। ठीक है, जब आपस में एक दूसरे के जो थ्रेड यहां पे क्या होते हैं फंसे होते हैं, मैसिव होते हैं, तो क्या होती है जब रोटेशन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करे तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, इससे क्या होगा कि इसके अंदर वाले भाग में क्या होगी, इंटरनल चैम्बर में एक सक्शन क्रिएट होती है जो कोई भी लिक्विड को अपने अंदर सक करती है और खींचने का कोशिश करती है, और एक समय ऐसा था खींचने के बाद इसे बाहर की ओर आउटर चैम्बर के सहयोग से आउटर पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर निकाल देती है। ठीक है, तो इसी कारण इससे एक तरह का स्क्रू पंप कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रोटर होती है बिल्कुल स्क्रू की डिजाइन की होती है और एक जगह से दूसरी जगह कोई भी लिक्विड को यहाँ पर ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, इसको एक तरह का स्क्रू पंप कहते हैं। ठीक है, अगर इसके यूजेस की अगर बात करते हैं कि आखिर में स्क्रू पंप का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ये जो मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है, कोई भी अगर मोबिल है, कोई भी अगर पेट्रोल है, डीजल है, तो इस टाइप के जितनी भी यहाँ पे ऑयल है उसको ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे बहुत बड़े एक ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से एक जगह से दूसरी जगह कोई भी ऑयल को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रंकर के सहयोग से भेजा जाता है, तो ट्रंकर के अंदर जो लिक्विड को डाला जाता है तो यहाँ पर पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक स्क्रू पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तरल पदार्थ जो चिपचिपाहट वाले तेल होते हैं तो उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे स्क्रू पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्क्रू रोटर के सहयोग से यहाँ पे लिक्विड को ट्रांसफर करने का काम करता है, वो भी बहुत जल्दी और काफी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रू पंप का इस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे ऑयल की कोई इंडस्ट्री है, चाहे कोई गैस की इंडस्ट्री है, तो वहां भी स्क्रू पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में स्क्रू पंप कैसे बनाता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, स्क्रू पंप को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे केसिंग की, जिसको एक तरह का आप हाउसिंग भी बोल सकते हैं, तो इसको एक तरह का हम केसिंग बोलेंगे, जो यहाँ पे कास्ट आयरन मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो नज़र आ रही है पीले रंग सी, इसको एक तरह का यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटरनल चैम्बर बोलेंगे, जो केसिंग के अंदर होती है, जो काफ़ी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर जगह होती है, काफ़ी यहाँ पर स्पेस होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो केसिंग होती है इसमें यहाँ पर दो को पोर्ट को बनाया जाता है, नीचे वाले को एक तरह का इनलेट पोर्ट बोलेंगे, जिसको आप एक तरह का सक्शन पोर्ट भी बोल सकते हैं, यहां के सहयोग से इसके अंदर ऑयल को इसके अंदर इंटेक किया जाता है, मतलब डाला जाता है। ठीक है, दूसरी क्या होती है, एक ऊपर में पोर्ट होती है जिसको आउटलेट पोर्ट बोलते हैं, जिसको आप एक तरह का डिस्चार्ज पोर्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, इसके सहयोग से ऑयल को यहां पर हाई प्रेशर के सहयोग से बाहर की ओर निकाला जाता है। ठीक है, देख सकते हैं, अब क्या होती है, इसके अंदर यहां पर दो को लीनियर टाइप के मेसिंग स्क्रू रोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो लंबी लंबी सी बनी होती है, जो इसके ऊपर थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, इसको एक तरह का
फेसिंग स्क्रू रोटर बोलेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल दो गो होती है, दोनों यहाँ पे अलग अलग इसकी जो थ्रेड होती है अलग अलग डिजाइन में होती है अपोजिट डायरेक्शन में। देख सकते हैं इसको एक तरह का फ्लेट थ्रेड बोलेंगे इसके ऊपर, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी स्क्रू के डिजाइन में होती है, इसी कारण से एक तरह का स्क्रू पंप हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जो आपस में मेसिंग होते हैं दोनों रोटर, देख सकते हैं मतलब आपस में दूसरे का जो यहाँ पे एक दूसरे का जो फ्लेट जो थ्रेड है जो आपस में तीत है आपस में देख सकते हैं किस तरफ से मेसिंग है, फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब रोटेशन करती है काफ़ी स्मूथली रोटेशन करती है। तो ये दोनों जो रोटर होती है कास्ट एंड स्टील के बनी होती है, एक तरह का जंग निरोधक होती है, जल्दी से इसमें क्या होती है जंग नहीं लगती है, काफ़ी स्मूथ वर्क करती है। और क्या होती है ये दोनों का जो डायमेंशन होती है काफ़ी इक्वल होती है एक दूसरे के अपेक्षा। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाली जो रेड रंग की जो यहाँ पे स्क्रू जो रोटर है इसकी जो शाफ्ट होती है थोड़ी सी लंबी होती है, ये शाफ्ट को एक तरह का ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं क्योंकि यही रोटेशन करती है आगे की ओर इलेक्ट्रिक मोटर साथ कनेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे एक तरह का आगे की ओर देख सकते हैं इसको एक तरह इलेक्ट्रिक मोटर लेंगे जो यहां पे ड्राइविंग शाफ्ट को रोटेशन कराती है, तभी जाके पूरी यहां पे मेसिंग स्क्रू रोटर रोटेशन करती है। ठीक है, और नीचे वाली को एक तरह का ड्रिवन शाफ्ट बोलेंगे नीचे वाली रोटर को। ठीक है, कहा कि ये क्या होती है जो ड्राइवर यहां पे रोटेशन कराता है तो नीचे वाली रोटेशन करता है। ठीक है, अब क्या होती है आपस में स्मूथली यहां पे रोटेशन कराने के लिए और अटैचमेंट करने के लिए एक दूसरे के साथ यहां पे टाइमिंग गियर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक तरह का टाइमिंग गियर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होती है ये बढ़िया तरीके से इसको फिट कर देती है, एयर टाइट फिटेड होती है जो बढ़िया तरीके से केसिंग के दौरान बढ़िया तरीके से फिट कर दी जाती है जो जल्दी से एयर यहाँ पे इसके अंदर जल्दी से जा नहीं सके जब तक इसमें वैक्यूम क्रिएट ना हो तब। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्क्रू पंप की बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं वर्किंग के बारे में कि आखिर में स्क्रू पंप कैसे वर्क करता है, कि मैं किस तरह से यहाँ पे चिपचिपाहट वाले ऑयल को यहाँ पे स्क्रू रोटर के सहयोग से एक जगह से दूसरी जगह पंपिंग किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है स्क्रू पंप को यहाँ पे चलाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर जो दी गई है, इलेक्ट्रिक मोटर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट यहाँ पे रोटेशन करने लगती है, और इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट है हमारा ड्राइविंग स्क्रू रोटर को, तो यहाँ पे और ड्राइविंग यहाँ पे स्क्रू शाफ्ट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगी ऊपर वाली यहाँ पे इसके शाफ्ट भी रोटेशन करेगी और टाइमिंग गियर भी रोटेशन करेगी और स्क्रू जो रोटर है ऊपर वाली रेड वाली वो भी रोटेशन करने लगेगी। देख सकते किस तरह से यहाँ रोटेशन करने लगी। ठीक है, जब ये रोटेशन करेगी तो क्या इसके साथ जो यहाँ पे मेसी भी एक दूसरे का इसके नीचे वाली यहाँ पे लीनियर जो स्क्रू रोटर के साथ और इसकी टाइमिंग गियर के साथ, तो ये भी एक दूसरे को रोटेशन कराने लगेगी। ठीक है, अगर ऊपर वाली जो गियर है जो यहाँ पर रेड रंग की है अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी तो नीचे वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी। ठीक है, देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रोटेशन कर रही है। ठीक है, दोनों जैसे ही रोटेशन करने लगी तो क्या होगी इंटरनल चैम्बर के अंदर क्या होगी एक तरह का सक्शन क्रिएट करने लगेगी, मतलब बाहर में जो भी एटमोसफेयर में जो लिक्विड है या फिर कोई भी एयर है तो अपने अंदर सक करने लगेगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ इनलेट पोर्ट के पास जैसे ही हम यहाँ कोई भी ऑयल को रखते हैं तो क्या होती है तो ऑयल को खींचने लगती है अपने अंदर, और खींचने के बाद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे दो यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे डिवाइड हो जाती है ऑयल, और डिवाइड होने के बाद स्क्रू जो नजर आ रही है जो थ्रेड जो फ्लेट थ्रेड है तो इसमें यहाँ पे ऑयल को क्या काम करेगी कि आपस में एक दूसरे तो यहाँ पे घुमाते हुए कर्व घुमाते हुए अपने यहाँ पे थ्रेड फ्लेट के सहयोग से ऊपर में धीरे धीरे इसको यहाँ पे आउटर यहाँ पे आउटलेट पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर हाई प्रेशर साथ इसे निकाल देगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्क्रू पंप यहाँ पे वर्क करता है, इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो रोटर है आपस में एक दूसरे को यहाँ पे रोटेशन कराते रहती है और इंटरनल चैम्बर के अंदर सक्शन क्रिएट करते रहती है, और जो भी यहाँ पे विस्कोसिटी वाली जो ऑयल है इसको अपने अंदर सक करके इस तरह से अपने थ्रेड के सहयोग से क्या काम करती है कि बाहर में इसे रोटेशन कराते हुए हमारा आउटलेट पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर हाई प्रेशर साथ उसे ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्क्रू पंप वर्क करता है। तो मुझे आशा है कि आपको स्क्रू पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के थैंक यू, वो चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।